सो स्टूडेंट्स, आज की वर्कशीट में हम डिस्कस करेंगे वर्कशीट नंबर 31 जो है 9th क्लास के लिए, और ये इसके आने की डेट है 15th ऑफ सितंबर, एंड ये वर्कशीट है इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए। ठीक है, तो आज हम ये वर्कशीट डिस्कस करेंगे, तो चलो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करो, एंड अगर लास्ट में वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करके जरूर जाना। तो फ्रेंड्स, इसमें ना आपको एक विंड की एक पोएम है जिसका टाइटल विंड है, उसके बारे में एक पैसेज दिया गया है, पोएम का एक फ्रेज दिया गया है, और उसके बाद आपको कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं जिनके आंसर्स देने हैं। ठीक है, तो फटाफट मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि पोएम में क्या बताया गया है, फिर क्वेश्चंस देखेंगे। तो ये बोल रहे हैं, विंड कम सॉफ्टली, डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, डोंट स्कैटर द पेपर्स, डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। तो ये बोल रहे हैं, विंड तुम आराम से आना, सॉफ्टली आना, प्यार से आना। जब आओगी तो फिर तुम विंडोज की जो खिड़की है वो मत तोड़ देना, पेपर इधर उधर मत बिखरा देना, और जो अलमारी में बुक्स रखी है वो मत गिरा देना, क्योंकि जनरली जब विंड आती है, हवा एकदम खूब तेज से आंधी आती है, सब उथर पुथर हो जाता है ना, तो इसलिए बोल रहे विंड तुम सॉफ्टली आना। देर लुक वॉट यू डिड, यू थ्रू देम ऑल डाउन, यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स। देखो ये तुमने क्या किया, तुमने सारा सब कुछ नीचे गिरा दिया, तुमने सारे पेजेस ऑफ द बुक्स फाड़ दिए। यू वॉट रेन अगेन, एंड तुम फिर से बारिश ले आई, तुम आई और तुम्हारे साथ बारिश भी आ गई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग्स, फेल क्रम्बलिंग हाउसेस, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग राफ्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइफ, क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो तुम बहुत क्लेवर हो, जो वीक लोग होते हैं ना उन पे पूरा एकदम सही निशाना मारती हो और फिर सब गड़बड़ हो जाता है, सब इथर पुथर हो जाता है। द विंड गॉड विनोज एंड क्रशेस देम ऑल। तो विंड गॉड जब आते हैं तो वो गुस्से में आते हैं, सबको हस्त नष्ट कहते हैं, लेकिन नाश नष्ट कर देते हैं। ही वोंट डू दैट, ही वोंट डू व्हाट यू टेल हिम, सो कम लेट्स बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स। तो यहाँ बोल रहा है ऑथर की जो विंड गॉड है वो ऐसा नहीं करेंगे जो तुम बोलोगे, तो ऐसा करते हैं हम स्ट्रॉन्ग होम्स बनाते हैं, एकदम मजबूत घर बनाते हैं। लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली, एंड सारे गेट्स को स्ट्रांगली बंद करते हैं। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट। हम प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम एकदम मतलब कोई आंधी आए तो हमें कोई आंधी हिला ना सके, मतलब इतने स्ट्रांग और फर्म हम होने चाहिए, हमारी बॉडी होनी चाहिए, हमारा माइंड होना चाहिए। डू दिस एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विद अस। ऑथर बोल रहे हैं ऐसा करो एंड विंड तुम्हारी दोस्त बन जाएगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, ही मेक स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश। तो विंड क्या करती है, जो वीक होते हैं उनको बुझा देती है, एंड जो स्ट्रांग होते हैं वो दहाड़ते हैं और तरक्की करते हैं। तो ये भी बोल रही है, विंड जो वीक होते हैं ना उनको टारगेट करते हैं क्योंकि वो नष्ट हो जाते हैं, लेकिन जो स्ट्रांग लोग होते हैं वो एकदम फॉर्म रहते हैं, खड़े रहते हैं, विंड का मुकाबला करते हैं एंड खूब दहाड़ के आगे तरक्की करते हैं। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, वी प्रेज हिम एवरी डे। तो विंड की फ्रेंडशिप इज गुड, हम रोज उसकी तारीफ करते हैं, उसके उसके बारे में अच्छी बातें करते हैं। तो विंड, ये ही इज विंड, विंड गॉड। ठीक है, एंड इसकी ऑथर है डॉक्टर, इसकी ऑथर है सुब्रमण्य भारती। तो चलो फटाफट क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है, ऑन द बेसिस ऑफ योर रीडिंग द पोएम आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हु इज द पोएट ऑफ द गिवन गिवन पोएम। तो ये तो क्लियर है, यहीं पे लिखा हुआ है, तो इसकी पोएट है ये सुब्रमण्य भारती। द डैश स्कैटर्ड द पेपर्स एंड थ्रू डाउन द बुक्स ऑन द शेल्फ। तो किसने किया था ये तो हमें पता है, तो इसका आंसर है विंड। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द विंड विल बी डैश विद अस इफ पीपल डू व्हाट द पोएट सेज। तो हम यही अभी यही बताया ना, अगर पोएट जो बोल रहे थे कि हम स्ट्रांग रहे, स्टेडफास्ट रहे, ऐसा रहेंगे तो विंड हमारी दोस्त बन जाएगी, तो इसका आंसर है फ्रेंड्स। व्हाट डज द विंड गॉड डू टू द वीकलिंग्स। तो ये तो हमने देखा था, क्या बोला था, वीकलिंग्स के साथ क्या करते हैं, ये देखो, क्रशेस देम ऑल, पोक फन एट वीकलिंग्स, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट इज द पोएट आस्क पीपल टू, तो लोगों को पोएट क्या बोल रहे हैं रहने के लिए, देखो यहाँ लिखा है, फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स, लेट्स ज्वाइन द डोर्स फर्मली। तो ये भी है, बिल्ड स्ट्रांग होम्स, फर्म द बॉडी, मेक द हार्ट स्टेड फास्ट, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ देम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द विंड ब्लोज आउट डैश फायर्स एंड मेक्स डैश फायर्स रोर एंड फ्लरिश। तो यहाँ लिखा है ना, विंड कहाँ गया, हाँ, विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स एंड ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लरिश, तो इसका आंसर है वीक स्ट्रॉन्ग। विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स एंड मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स
roar and flourish. What do you think the wind symbolizes in the poem? तो wind जो reference use किया है poem में उसका मतलब क्या है? तो wind का मतलब क्या है? Difficulties, challenges, hardships, कुछ भी कठिनाइयाँ ज़िंदगी में आए, wind symbolize उनको करती है. तो answer है all of these. Next is the poet suggests we should face the challenges. कैसे करने चाहिए and stay firm in difficult situations. बहादुरी से कभी कभार करने चाहिए या carelessly करने चाहिए या cowardly डर के करने चाहिए. हमें wind तो पोएट कहते हैं हमें चैलेंजेस का सामना ब्रेवली करना चाहिए. नेक्स्ट इज विच वर्ड इन द पोएम्स इज सिनोनिम ऑफ अनवेवरिंग. तो अनवेवरिंग का मतलब होता है कि कोई तुम्हें अपनी जगह से हिलाना पड़े, हिलाना सके, तो इसका सही आंसर है स्टेडफास्ट. ठीक है, तो बच्चों ये थी आपकी वर्कशीट नंबर 31 जिसके सारे आंसर्स हमने आपको बता दिए हैं. तो आप भी इसको प्रैक्टिस करो और देखो आपके आंसर सही आ रहे हैं कि नहीं. एंड अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करना एंड चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना. मिलते हैं अगले वीडियो में. गुड बाय.